प्रभु की महानाम का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमारे बीच में फिर से ये सुंदर समय को रखा और इसलिए प्रभु के धन्यवाद हो। और आज का ये समय हम प्रभु के निकट में रखते हैं। परमेश्वर ने आपसे बहुत ही प्रेम किया है और आज इस प्रतीक में प्रभु आप लोगों के बीच में अपना वचन को आपके सामने प्रकट कर रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। आइए उस परमेश्वर के सम्मुख में आने से पहले हम लोग उसे चरणों में आए, अपने हर एक विनती हर एक निवेदन प्रभु के पास में रख दीजिए। प्रभु आपका हर एक बोझ को लेने वाला परमेश्वर, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, महान अनुग्रह करे परमेश्वर, तेरे धन्यवाद देते हैं पिता। ये सुंदर श्राद्ध की घड़ी को ये समय को तेरे हाथ में देते हैं, दिन और रात को तेरे हाथ में देते हैं पितामेश्वर, जो हमारे संक्षम बोले पितामेश्वर। पितामेश्वर जितने लोग इस भाई वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तेरी महिमा तेरी करुणा दया को पिता, वचन का प्रकट उनके जीवन में दे पिता, और अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर उनके जीवन में तू भर दे पिता, दया सच्चा अनुग्रह दे पिता। सारे आदर में जला चुके देते हैं इस बात में सुना परमेश्वर। आइए हम लोग परमेश्वर के पास उसके शरण में आते हुए हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक गाना को गाएंगे हम लोग, और उस गाने का नाम है आखिरी नशिंगा जो का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आइए हम मिलके उस परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आराधना करने के लिए, परमेश्वर के जय जयकार करने के लिए और परमेश्वर का गुणानुवाद करने के लिए परमेश्वर के पास हृदय से और परमेश्वर के पास अपना तन मन धन से प्रभु को हम लोग क्या करें परमेश्वर की आराधना करें। वचन में लिखा हुआ मन प्राण आत्मा से क्या करें हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जहाँ दो या तीन मेरे नाम भी इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। ये वचन के अनुसार मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हम लोग के बीच में है, जहाँ कहीं भी हो प्रभु आपके बीच में खड़ा है और आपसे वो क्या करना चाहता है बातें करना चाहता है। आइए परमेश्वर के लिए हम लोग इस गाने को गाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, आखिरी नजिया फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा पहले तो मैं सीने मुझे जीओ के लिए बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे, पहले तो मैं सीने मुझे जीओ के लिए बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे, पल भर में देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में देखो सब कुछ होने वाला है, तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा, तेरे दिल के सारे कम बदल जाएंगे, जिस गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे, तेरे दिल के सारे कम बदल जाएंगे, गए जो लम्हे तेरे पास आएंगे, दुनिया में तो तना ही रचन वाला है, दुनिया में तो तना ही रचन वाला है, तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा, तेरी
हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर को। प्रभु ने ये समय को दिया आप लोगों के बीच में। फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे बीच में इस वचन को रखा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट में उसकी आराधना करने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए हमें प्रभु ने समय दिया। आइए उस परमेश्वर के चरणों में आते हुए हम लोग परमेश्वर के धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर की आराधना करते करते उस परमेश्वर के यहोवा के पास अपना जीवन को रखे। आज हम देखते हैं कि हम उस समय को आ पहुंचे हैं जिस समय में परमेश्वर का दूसरा आगमन है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। क्या हम प्रभु के लिए प्रस्तुत हैं? क्या मेरा सवाल यह है, क्या मैं प्रभु के लिए प्रस्तुत हूँ? क्या अगर नहीं तो अपने आप को क्या करिए, तैयार कीजिए मेरे प्यारों, तैयार कीजिए, क्योंकि समय बहुत ही खराब है, समय बहुत ही खराब है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों भाई और बहनों, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा गौर से कीजिए, क्या मैं प्रभु के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ क्या, ये आपको जानना है। हम लोग देख सकते हैं, हम लोग अंत दिनों में और परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह 2020 साल से पहले प्रभु ने अनेक सारे बातें को किए थे कि अंत के दिनों में ये सब होने वाला है। मैं आप लोगों को शॉर्टली बताना चाहूंगा, मगर मैं आप लोग गहराई को समझिए, गहराई को समझिए। अगर कोई समझ नहीं पा रहा तो वो कमेंट में या मेरा नंबर में कॉल करके आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। आइए हम लोग उस वचन को और देखते हैं, मत्ती 24 का हम लोग 3 से अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 3 से 36 तक। ठीक है, आप लोग मेरे से ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हम में से कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत का अंत का समय चिन्ह होगा। हालेलुया। अंत का क्या चिन्ह होगा? तब यीशु ने उनसे क्या कहा, सुनिए 4 को हम लोग पढ़ते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। हालेलुया। आज हम लोग देख सकते हैं जगत में नाना प्रकार के डॉक्टर निकल चुका है, नाना प्रकार के आप देख सकते हैं बहुत सारे संस्थान निकल चुके हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, सुसमाचार को तोड़ मोड़ के, प्रभु यीशु मसीह के बारे में तोड़ मोड़ के वो लोग क्या कर रहे हैं, सेवा को प्रभु के नाम से और पैसा ऐंठ रहे हैं। उसलिए क्या किया जा रहा है, सावधान रहो कि तुम्हें भरमाना ना पाए। और वहां पर क्या हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। तो क्या कर रहे यहोवा इटनेस और चमकती बिजली, ऐसे बहुत सारे देख सकते हैं कि वो लोग संस्था निकले हैं जो हम लोगों को क्या कर भटका रहे हैं। और हम लोग देखते हैं क्योंकि बहुत से, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे 5 में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं
मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। आज भी देख सकते हैं हम बहुत अभी भी आ चुके हैं ऐसे लोग जो अपने आप को यीशु मसीह कहते हैं, अपने आप को यीशु कहते हैं। ये जान रखिए मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बता दिया था कि बहुत ही मेरे नाम से आएंगे वो अपने आप को क्या करेंगे, मैं वही हूँ बोल के, मैं ही हो ही हूँ मसीह हूँ बोल के। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को तैयार कीजिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, तुम लड़ाई और लड़ाइयों को चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत ना होगा। आज भी हम देखते हैं जगह जगह में विरोध, जगह जगह में युद्ध के जैसे माहौल को हम लोग देखते हैं। तो आप इसको मत सोचिए कि ये अंत के समय है, अभी अंत आ जाएगा। हम लोग जब सोचेंगे तब नहीं, अंत तब नहीं आएगा। हमको क्या करना है, प्रभु से जुड़ के रहना है मेरे प्यारे बहनों। और उस समय क्या होगा, युद्ध होगा जगह जगह में, युद्ध होने के लिए ककार में भी आ जाएगा। हम देखते हैं अमेरिका इराक में बीच में ऐसे माहौल बना था कि सोच रहे थे कि ये द्वितीय विश्व युद्ध का हम लोग पहर में जा रहे हैं बोल के। हालेलुया। मगर मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग साथ में देखते हैं, क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगी और भूडोल होगी। आज भी हम देख सकते हैं कि जाति जाति और राज्य राज्य में चढ़ाई होगा, होता है सिविल वॉर होता है। हालेलुया। वो जात के बारे करता है तो कोई ये जात के बारे करता है, मैं ये जात का हूँ वो जात का है। आज भी ये हो रहा है और जगह जगह में अकाल पड़ेंगे और भूडोल भूकंप होगा। कई दिनों से हम लोग, कुछ सालों से पीछे में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारा हम लोग देख सकते हैं, बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है। हम लोग देख सकते हैं नेपाल में एक बार क्या हुआ था, इसी प्रकार का भूडोल आया था। हम लोग देखते 6.1 का भूकंप हुआ था। ऐसे बहुत सारे हम चिन्ह चमत्कार चिन्ह को देख रहे हैं कि प्रभु का आगमन का समय अति सन्निकट है। फिर हम लोग देखते हैं आठ में देखते हैं, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा, ये सब पीड़ा का आरंभ होगा। हम देख सकते हैं महामारी भी पहुंच चुका है। बाइबल में पहले से ही भविष्यवाणी किया गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, महामारी आएंगे, क्लेश आएगा, अकाल आएगा और ये सब हो रहा है। आज भी ये हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्या अपना जीवन को प्रभु के लिए अपने आप को रखे हैं क्या? ये आरंभ से हम लोग अभी पहला स्टेज में घुस चुके हैं मेरे प्यारे। प्रभु के बहुत सारे दास दासी लोग भी प्रभु का आत्मा उनको बता दिए हैं। हालेलुया। और ऐसे में प्रभु ने मुझको भी दर्शन सपने के द्वारा भी बातें की हैं कि प्रभु का आगमन हम देख रहे हैं, स्वर्ग से प्रभु आ रहे हैं अपने लोगों को लेने के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए। क्या मैं प्रभु के लिए तैयार हूँ क्या? अपना जीवन को प्रभु के लिए तैयार किए हैं क्या? अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, कर लीजिए। कैसे ऐसा ना हो कि आप अकेले हो जाए। फिर हम देखते हैं, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज भी ये हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको मार दिया जा रहा है मगर उनके लिए कोई केस दायर नहीं हो रहा है। हालेलुया। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आप इंटरनेट को खोल के देखिए, गूगल में आप सर्च करके देखिए किस तरह से अत्याचार हो रहा है प्रभु के लोगों के ऊपर। क्या प्रभु के लिए आप तैयार हैं? समय बहुत ही कम है। फिर हम लोग देखते हैं 10 को, हम लोग जब 10 को पढ़ते हैं, तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। क्या करेंगे? बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और आज भी हम लोग देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता निकल चुके हैं और झूठा भविष्यवाणी करके लोगों को क्या कर रहे हैं, वो लोग भरमा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा मगर आप समझदार व्यक्ति हैं, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आप समझ सकते हैं कि आज ऐसे बहुत सारे
दास खड़े हुए हैं कि अपने आप को अपने नाम के आगे फॉरफेट लगा दे रहे हैं, अपोस्टल लगा दे रहे हैं। हालेलुया, क्या सच में मैं उस प्रॉफिट का या भविष्यवक्ता का योग्य में हूँ? हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सबको प्रभु ने पहले से बता दिया है। अगर हम नहीं जानते तो प्रभु उस टाइम हमको, अगर हम बाई चांस प्रभु हमको नहीं बताता तो हम सिंहासन के पास खड़े होकर प्रभु के पास हम बता सकते कि प्रभु मुझे ये पता नहीं था, मगर वचन आपके पास पहले से पहुंच चुका है, आप इनकार नहीं कर पाएंगे, वचन आपके पास पहुंच चुका है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को तैयार करना है। और अधर्म का बढ़ने से भूत का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे बातें कि हम क्या करते हैं, प्रेम क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। हम लोग देखते हैं किसी रीति से किसी के धोखे ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक के धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। प्रभु से आने से पहले वो क्या करेगा? जब तक धर्म का त्याग ना हो, और धर्म क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। धर्मिकता का जीवन क्या हो जाएगा? त्याग। आज देखिए मनुष्य पाप में जी रहा है और अपने आप को क्या कर रहा है, महान बनाने के लिए सोचता है। प्रभु को ना बना के वो अपने आप को महान बनाने के लिए सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या मैं प्रभु के लिए तैयार हूँ? क्या अपना जीवन को प्रभु के लिए तैयार करके रखे हैं क्या? इसलिए और अधर्म के बढ़ने की बहुत से का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अंत के दिनों में क्या हो जाएगा? प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये शुरुआती है, हम लोग पहले स्टेज में खड़े हैं। माने या ना माने, आप अंध की करें, मगर वचन कहता है हम परमेश्वर का अंध के कगार में खड़े हैं। शुरुआत स्टेज में हम लोग घुस चुके हैं। हालेलुया। हम लोग नीचे पढ़ते, परंतु 13 में अगर पढ़ते हैं, उस मत्ती का 24 का 13 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रखेगा उसी का उद्धार होगा। हम लोग जब उसको क्या हुआ, हम परंतु जो अंत तक धीरज धरे रखेगा उसी का उद्धार होगा। जो प्रेम में ठंडा नहीं हुआ, जो प्रेम में बना हुआ है, उसके जीवन में क्या करेगा? प्रभु उद्धार को देगा, उद्धार आपके पास आएगा। और हम लोग 14 में जब पाते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। राज्य राज्य में, देश देश में, गांव गांव में, सारे जगत के छोर तक प्रभु का क्या होगा? सुसमाचार प्रचार होगा, तब ये जगत का अंत हो जाएगा। मेरे प्यारो, 98% मेरे अनुसार, मुझको जैसे लगता है 98% लोगों के पास सुसमाचार पहुंच गया है। आप जो इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, आज सबके पास सोशल मीडिया है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट का व्यवस्था है, 4G 5G इंडिया में, 4G अलग अलग देशों में 5G का भी नेटवर्क है। और ऐसे ऐसे देशों में चारों तरफ गांव-गांव में क्या हो गया, इंटरनेट का व्यवस्था होने शुरू हो गया है, और सोशल माध्यम से प्रभु का सुसमाचार पहुंच चुका है। बाकी कुछ कुछ लोगों के पास नहीं पहुंचा है, तभी आप जगत का अंत को देखेंगे। हालेलुया। हम बहुत ही कम समय में है प्रभु, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और अपने आप को तैयार कीजिए। हम लोग फिर 15 में पढ़ते हैं, और जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु जो वस्तु की जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। हालेलुया।
क्या है, उजाड़ने वाला वस्तु क्या है, ये बहुत ही बड़ा चीज है। उजाड़ने वाला वस्तु मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट जिसको कहा जाता है, हालेलुया, जो अपना उस स्तंभ को वहां पर खड़ा करेगा मंदिर में। मेरे प्यारो, हम जिसको बोलते ट्रिपल सिक्स कहते हैं, 666 ट्रिपल सिक्स को कहते हैं, वो संख्या एक डिजिटल अंक है। आज हम देखते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब को देखते हैं, और कुछ दिन के बाद हम लोग देख सकते हैं कि डिजिटल करेंसी होने के लिए तैयार हो रहा है। हम लोग देख सकते हैं, मेरे साथ आप लोग निकाल सकते हैं, रिवेलेशन प्रकाशित वाक्य 13 का हम लोग वहां पर पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे साथ देख सकते हैं आप, 14 से वहां पर इस पर लिखा है, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वाले को इस प्रकार भरमाया था कि पृथ्वी के रहने वाले से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मृत्यु मूर्ति बनाओ। आज हम उस मूर्ति को देख पाते हैं, आपके पास आज सोफिया रोबोट को आप देख रहे हैं जिसमें जान नहीं है, मगर उसमें जान दिया गया। हालेलुया। फिर हम लोग देखते हैं उसी में नीचे लिखा हुआ, और उसे उस पशु की मूरत के प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु को मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। आपको मानना पड़ेगा उसको, आपको उसको मानना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती आपको करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं उसी के नीचे में, हम लोग देखते हैं, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्रता सब के दाहिने हाथ पर या चिन्ह उनके माथे पर एक छाप कर दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसका नाम का अंक हो, और कोई लेन देन ना करे कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसके बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक नहीं और उसका अंक है 666। हालेलुया। 666 उसमें आप क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम उसी के घर में लाइन लगा रहे हैं, तैयारी में चल रहा है कि आंटी हमारे सामने क्या करे, आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बात को आप लोग गौर से सुनिए। हम लोग फिर नीचे पढ़ते हैं मत्ती का 24 का, हम लोग जब 16 को पढ़ते हैं, तब तो यहूदियों में वे पहाड़ों पे भाग जाए, तब जो यहूदिया में है वो पहाड़ों में भाग जाए, जो कठोर कोठे पर है वो अपने घर में के सामान लाल लेने का ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाने वाले होंगे उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े का या स्वच्छ के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। हालेलुया। ऐसा क्लेश, ऐसा कष्ट आपके जीवन में आएगा, ना कभी हुआ है ना कभी होगा, इस तरह से दर्शाया जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारो, कब वो समय आ जाए किसी को नहीं पता, कब शैतान कुछ योजना बना ले, वो अपने लिए रास्ता खोल ले, अपने आप को तैयार कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं, और यदि वे दिन घटाया ना जाए तो कोई प्राणी ना बचाता, परंतु चुने हुए के कारण दिन घटाए गए रहेंगे। जब तक प्रभु के दास लोग इस जगत में हैं, चुने हुए के लिए ये दिन को घटाए जा रहे हैं। अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। और वहां पर लिखा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे
कि तो देखो मसीह यहाँ है, वहाँ वहाँ है, तो प्रतीति ना करना। क्योंकि आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो मसीह यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए, फिर से जन्म लिए प्रभु यीशु मसीह, चाइना में जन्म लिया है प्रभु, औरत के रूप में, हमारा चमकती बिजली वाले उनके ग्रुप वाले ये बात बताते हैं। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य तक उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो वो चुने हुए को भी भरमा दे। ऐसे ऐसे काम करेंगे मेरे प्यारों, उनके जीवन में ऐसे काम होगा। इसलिए प्रभु में पढ़ने के लिए अपने जीवन को तैयार कीजिए। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया, इसलिए यदि तुम में से कहें देखो वे जंगल में है, वे बाहर निकला जाना, तो वो बाहर ना निकल जाना। देखो ये कठोरियों में है, वो पतिति ना करना, क्योंकि जैसा बिजली पूर्व से निकल के पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। जैसे बिजली, आप बिजली के लाइट को आप देखते हैं, जैसे बिजली चमकता है एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, उसी तरह परमेश्वर के आगमन भी क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह को आप दुनिया के कोई भी कोने में रहे आप प्रभु यीशु मसीह को वहां पर देखेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपना जीवन को तैयार कीजिए, अपना जीवन को तैयार कीजिए। मैं आज ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि बहुत ही लंबा हो जाएगा, और मैं जानता हूँ आप लोगों की कैपेसिटी नहीं है, आप लोग इतना देख सकेंगे। परमेश्वर को वचन सुनने के लिए नहीं होता है हालेलुया, नहीं होता है, आज ऐसे होता है लोग, इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। आपको बुरा लगे या भला लगे, प्रभु आपसे प्रेम करता है मगर हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। प्रभु प्रेम करता है, मैं प्रभु से नहीं प्रेम करता। आज मैं एक भाई के घर में गया था और बहन के घर में गया, तो उनके जीवन के बारे में यही बात बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञा को पालन करेगा, मगर मैं उसकी आज्ञा को पालन नहीं करता हूँ, तो मैं प्रभु यीशु मसीह को क्या नहीं करता हूँ, प्रेम नहीं करता हूँ। अगर तू प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा को पालन करेगा, मैं आज्ञा को पालन नहीं करता तो प्रेम कैसे करूंगा भाई। और जो आज्ञा को पालन नहीं करता है नरक में जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का 7:21 में लिखा हुआ है, तुम में से अनेक मुझे क्या कहते हैं, हे प्रभु करके संबोधित करते हैं। प्रभु 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 करके हम लोग क्या करते हैं, संबोधित देते हैं प्रभु को, मगर प्रभु कहता है इनमें से हर एक कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेंगे। जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करते वो ही, मतलब परमेश्वर की आज्ञा, प्रभु ने सबसे पहला उसकी आज्ञा को देखता है। अगर हम आज्ञा के विरुद्ध में काम करते हैं तो प्रभु के राज्य में नहीं आ पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, वचन तो आप सुन रहे हैं, वचन को हम एक कान में सुन के और दूसरे कान में भगा देते हैं, चर्च हो या जहां पर भी हो, मगर हम फिर सिनेमा का कोई गाना सुन ले, ओहो सिनेमा को हम जब गाना को सुन लेते तो साल साल मरने तक भी, जब हम मरने बैठेंगे उस टाइम में भी हमको याद रहता है, मगर वचन हम भूल जाते हैं। इसलिए कि आपका वचन उस पत्थर में बीज बोने का समान हो गया है। चिड़िया आता है उड़ा के ले भागता है, हालेलुया। अच्छी भूमि में गिरने वाला नहीं है वो वचन, आप सुनते तो हैं मगर उसको कार्यकारी नहीं करते हैं। अपना जीवन को प्रभु में रखिए, अपने आप को प्रभु में रखिए, तभी आपका जीवन उद्धार है। आपका आत्मा का भलाई के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मेरे भलाई के लिए नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ और आपका काम खुद करना है। कोई अपना कर्म के द्वारा स्वर्ग में नहीं जाकर, केवल प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार दे सकता है। विश्वास कीजिए, उसको उद्धार के रूप में स्वीकार कर लीजिए, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। दे सकते हैं और भी हम लोग पढ़ते हैं 29 में चर्च पढ़ते हैं, और उन दिनों में क्लेश
के बाद तुरंत सूर्य अंधकार हो जाएगा, तुरंत सूर्य क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। ये सब बात होंगे, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है आकाश से आग गिरेंगे। नूह के समय में भी क्या बोलते थे, थोड़ी ना बारिश गिरेगा, थोड़ी ना बारिश गिरेगा, थोड़ी ना आग से पानी आकाश से गिरेगा, विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि उस समय में आकाश से पानी नहीं गिरता था मेरे प्यारों, ओस गिरता था, इसलिए वो लोग विश्वास नहीं किए। आज भी इसी डेट में लोग प्रभु के दास लोग बोल रहे हैं ऐसा अंत के दिन में होने वाला है, आग गिरेगा, आसमान से आग गिरेंगे, ओले गिरेंगे, मगर कोई विश्वास नहीं कर रहा। किस लिए नहीं विश्वास कर रहा है, उनका मन सैतान क्या कर दिया कब चले, जिस तरह नूह के दिन में हुआ था आज भी इसी तरह हो गया है। मगर वचन कहता है आग से, आकाश से तारे मतलब आग का वर्षा होगा। हालेलुया। और हम लोग जब पढ़ते हैं उसी में नीचे, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, सब कुलों के लोग क्या करेंगे, छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्रों को बड़ी सामत और ऐश्वर्य के साथ आकाश से बादलों पर आते दिखेंगे। और भी बहुत सारा वचन है, मैं आप लोगों को पाठ पाठ कभी कभी आप लोगों को बताते जाऊंगा, जैसे प्रभु का अगुवाई करेगा मैं आप लोगों को पता चल जाऊंगा। और क्या होगा, बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु क्या करेगा, बादलों में इस धरती पर अपना कदम को रखेंगे। हालेलुया। वो जो लोग उनको विश्वास नहीं किए, जो लोग उनको तुच्छ किए, वो लोग छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे, मैं किसको त्यागा, किसको मैंने तुच्छ कहा, किसको मैंने, जो सारे संसार को, सारे रचयिता परमेश्वर है, जो मुझको बनाने वाला परमेश्वर है, उसको मैंने त्याग दिया। हालेलुया। उसको मैंने त्याग दिया, आज मेरा प्राण, मेरा आत्मा उस नरक में आग में चला जाएगा, उसने छाती पीटेंगे वो लोग। और उस समय, उस समय और समय नहीं रहेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समय गया, समय गया। आपका जीवन भी प्रभु ना करे कि आप उद्धार को पा लीजिए, उद्धार को पा लीजिए और प्रभु के साथ जुट जागे रहिए, क्योंकि हम बहुत ही कम समय में हम लोग खड़े हैं, हम लोग अंतिम समय में खड़े हैं। प्रभु कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। हम बोले ना सुसमाचार 98-95 ज्यादा से ज्यादा सारे जगत में प्रचार हो गया इंटरनेट के माध्यम से, जगह जगह के लोग पकड़ पकड़ के, मोबाइल पकड़ के, सबके बच्चे बच्चे हाथों में मोबाइल आ गया और सबको प्रभु सुसमाचार सुन चुके हैं। ऐसा ना हो वो लोग नहीं बोल पाएंगे कि मैं सुसमाचार नहीं सुना प्रभु, मेरे पास कोई दास नहीं आया प्रभु, मैं कहीं पर नहीं सुना प्रभु। प्रभु कहेगा मैंने तुझे इंसान को दिमाग दिया, टेक्नोलॉजी दिया, इसीलिए तूने इंटरनेट के माध्यम से भी मैंने मेरे दास लोगों के द्वारा प्रचार को तूने सुनाया है। तेरे पास प्रभु, तेरे पास कोई दास नहीं पहुंच पा रहा था बल्कि मैंने मोबाइल के माध्यम से भी तेरे पास सुसमाचार को पहुंचाया है, तू मना नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज प्रभु आपको भी इस मीट इंटरनेट के माध्यम से बात कर रहे हैं, अपने आप तैयार कीजिए, कुछ दिन के बाद ये भी बंद होने वाला है। हालेलुया। सब में रोक होने वाला है, इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, समय आपका होगा। समय का उपयोग नहीं करेंगे, समय भी आपका नहीं होगा, समय वो पार होता जाएगा। हालेलुया। अपना जीवन को तैयार कीजिए, तभी प्रभु आपको आशीषित करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, महिमा की प्रशंसा के जला दे हाथ हरे के जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, अग्रिम महिमा का आत्मा प्रत्येक के जीवन में कार्य करे पिता यीशु के लहू, और पिता परमेश्वर सारे महिमा जलाल जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को हृदय में आत्मा में तू बातें कर पिता, संसार के प्रति नहीं बल्कि तेरे प्रति वो लोग आगे बढ़ने पाए कर पिता। जितने लोग का समस्या को दूर कर, जितने लोग रोगों का समस्या को दूर कर, जितने दुष्ट आत्मा में ग्रसित हो उन सबों को चंगा कर पिता। पिता में हर एक को तेरे हाथों में समर्पण, सारे आदमी में जला तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।